12,500 के इनामी बदमाश सहित 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने किया लूट का खुलासा। महोबा जनपद में बीते 1 जून को दंपत्ति के साथ हुई लूट का खुलासा पुलिस ने आज कर दिखाया है, जिसमें पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 1 तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए और साथ ही दंपत्ति के साथ हुई लूट का माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पकड़े गए 4 आरोपियों में इनका सरगना संजय भी पकड़ा गया, जिसके ऊपर 12,500 का इनाम भी घोषित था। थाना महोबा क्षेत्र में दिनांक 1 जून को शाम के समय एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें दंपति के साथ 3 अपाचे सवार व्यक्ति के द्वारा लूट की गई थी और पुलिस के द्वारा इस घटना का अनावरण आज किया गया है। कल शाम को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्त को कोटई रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है और उनके पास से जो घटना में ज्वेलरी गई थी उसको भी बरामद किया गया है और अपाचे जो गाड़ी इसमें यूज़ की गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें जो इसका मेन सरगना है संजय कुशवाहा, जो बुरा का रहने वाला है, वो अपने साथियों के साथ प्रयोग में भी इस तरह की घटना कर चुका है और हाल ही में उसने मुस्कुराने में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था और इस पर थाना जनपद महोबा से 12,500 रुपये का और जनपद हमीरपुर से 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। इस तरह पूरी गैंग को वर्कआउट किया गया है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है। ये संजय और संजय का तो मैन भी आपराधिक इतिहास रहा है, बाकी कुछ लोग इनसे नए जुड़े हुए हैं, बाकी वो इसमें सोनी है जिन्होंने इनसे ज्वेलरी खरीदी थी। इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है कि इन्होंने और कहाँ कहाँ से ज्वेलरी खरीदी। थैंक यू।